लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा 2 बजे सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। जस्टिस फारूक इरफान के इस्तीफे से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी आगाह कर दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भी अर्सल कर दिया है। जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ पनामा स्कैंडल में उनका नाम आया था कि उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई और बतौर कंपनीज के डायरेक्टर वो इसके साथ जज भी रहे, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया और इस दौरान जस्टिस फारूक इरफान सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेश भी हुए और अपने मौकफ से आगाह किया, जबकि जस्टिस फारूक इरफान ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को ओपन खुली अदालत में उसकी समाअत करने का भी दरख्वास्त दी, जिसे मंजूर कर लिया गया था और अब ओपन अदालत में इसकी समाअत जारी थी कि जस्टिस फारूक इरफान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस फारूक इरफान के मुस्ताफी होने के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस फारूक इरफान के खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी है, जिसके बाद अब जस्टिस फारूक इरफान को एक रिटायर्ड जज की हैसियत से उनको तमाम मरात और जो सहूलियात हैं वो जो रिटायर्ड जज को हासिल होती हैं वो भी इनको मैसर होंगी। इसके साथ साथ जस्टिस फारूक इरफान के रिटायर्ड होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जो हाली असामियों की तादाद है वो 13 से बढ़कर 14 हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप अपडेट कर रहे थे।